गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ओके लेट्स बिगिन द डे विथ आर सी इन डायरेक्ट क्वेश्चन सो आई कैन सी मेनी नेम्स कमिंग Group, Tejaswini, Mohini, मोहिनी आदित्य रोहित बिगिन द डे day with RC. चलो सबसे पहले स्टूडेंट्स दिन की शुरुआत करने के लिए इंग्लिश के लेक्चर के यूट्यूब लाइव सेशन के लिए मैं सबसे पहले ये चीज बता दूं आपको कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए और इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते क्या है के? इनडायरेक्ट क्वेश्चन करेक्ट तभी आते हैं जब राइटर की सोच और रीडर की समझ मैच करते हैं राइटर की सोच और रीडर की समझ जब मैच करते हैं तभी आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यानी बेसिकली ऑथर का लिखने का इंटेंशन पकड़ना कि ऑथर क्या बोल रहा है

आरसी के इन डायरेक्ट क्वेश्चंस उसी बच्चे के करेक्ट आएंगे जिसका कॉम्प्रिहेंशन ऑथर के इंटेंशन से मैच करता है ऑथर क्या लिख रहा है ऑथर क्या बोल रहा है और आप क्या समझ रहे हो अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं इसका मतलब आरसी की एक्यूरेसी 100 परसेंट कंफर्म है समझा शुरू करें फिर दिन चलो जल्दी से पांच आरसीज लिए है मैंने स्पेशली मैंने छोटे पैसेजेस लिए हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्जाम्स में में एक नया ट्रेंड देखा गया है पहले कैसे था तकरीबन 2015-16 जो होते हैं वो बहुत लेंदी आते थे चाहे प्री हो या मेंस और क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते थे। लेकिन, ने। और जितने भी छोटे है, वो पूछ रहा है। तो जो बच्चों को आदत है कि पहले क्वेश्चन पढ़ के जाके आंसर निकालना वो स्ट्रैटेजी कहां लागू होती है जब क्वेश्चन डायरेक्ट हो लेकिन जब पूरा पैसेज पे ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पढ़ के पैसेज पे जाना कोई अक्लमंदी नहीं है पैसेज में अभी आपके सामने डिस्प्ले करूंगी पैसेजेस बहुत ध्यान से पढ़ना है पढ़ते पढ़ते आपको लिखने की आदत डालना है यू हैव टू राइट वाइल यू रीड ओके सो स्टूडेंट्स मेकअप पॉइंट की पेन पेपर साथ में रखें जो भी पैसेज आप पढ़ो अपनी भाषा में चाहे हिंदी मराठी इंग्लिश इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते लिखो और फिर क्वेश्चन आंसर्स। रेडी चलो आज देखें हम किसमें कितना है आरसी का दम रेडी वेब ऑफ सर भी तैयार है पेन पेपर लेके यहाँ पे चलो बच्चा फिफ्थ ऑनलाइन बैच आई कैन सी कृष्णा हियर एक नाथ हियर ओके फिफ्थ ऑनलाइन बैच गेट रेडी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सर टाइमर के साथ तैयार है आप चलिए टाइमर लगाते हैं पैसेज पढ़ने को मैं दूंगी दो मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने को दूंगी एक मिनट इतना कम टाइम क्यों मैम क्योंकि पैसेज है ही बहुत छोटे रेडी ओके लेट्स गेट रेडी फॉर द फर्स्ट पैसेज एंड हियर वी बिगिन इसको लगा दीजिए वैभव सर दो मिनट का टाइमर पढ़ते पढ़ते लिखना है आपको जूम करना है क्या देख लो आपको दिखाई दे रहा है क्या चेक कर लो स्टूडेंट्स इसको जूम कर सकते हैं क्या वैभव सर थोड़ा सा Okay. Okay. Come on. Let's go for it. I hope you can read. Please write, please write whatever you read. चलो टाइम अप रेडी देखते हैं आप क्वेश्चन आंसर्स मैं वापस मैसेज पे नहीं आने वाली हूं दिग्विजय ग्रुप गेट रेडी वैष्णव इज ऑल्सो द लेट सी एक मिनट का टाइमर लगाएंगे आप इसको वैभव सर के भी आंसर आ चुके हैं चलिए देखते हैं आज तो वेब सर फटके खाने वाले हैं कन्फर्म आज वैभव सर फटके खाने वाले हैं आज तुम लोग खुशी मनाओ क्योंकि वैभव सर फटके खाने वाले हैं आज टाइम आप चलो 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 और तीन क्वेश्चन है वे बस लगा दीजिए एक मिनट का टाइमर एक मिनट का टाइमर लगाइए इस पैसेज पे पांच क्वेश्चन हैं टाइम आप टाइम आप वन लास्ट क्वेश्चन चलो वन लास्ट क्वेश्चन एक मिनट जल्दी पांच पैसेज करना है सो मच चलो जल्दी लास्ट नहीं फटके चाहिए ना तेजस्विनी को लिटरली तेजस्विनी को फटके चाहिए चलो टाइम आप लेट्स गेट रेडी अभी मैं आपको सिंपल बता रही हूं पैसेज कैसे समझना है एक पहला पैसेज है इसे सॉल्व करके बता रही हूं पूरा अगले पैसेजेस मैं सॉल्व नहीं करने वाली मैं सिर्फ आंसर्स बताऊंगी ठीक है ना प्लीज फोकस हाउ यू हैव टू प्रोसीड ये पैसेज आ गया सारे इंडायरेक्ट क्वेश्चंस है देख लिया आपने क्वेश्चन सारे इंडायरेक्ट है तो जब सारे क्वेश्चंस इंडायरेक्ट है तो ये स्ट्रैटेजी नहीं चलती है कि पहले क्वेश्चन करूं फिर पैसेज पे आऊं आपको पूरा पैसेज पढ़ के उसका जनरल आइडिया निकालना है लेट्स गेट रेडी द फर्स्ट ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली यानी ऑर्थोडॉक्स तरीका पुराना तरीका ट्रेडिशनल तरीका, तरीका ओल्ड तरीका ट्रेडिशनली मेनी लिंग्विस्ट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मास्टरिंग ग्रामर स्ट्रक्चर फर्स्ट वाइल टीचिंग इंग्लिश पुराना तरीका ऐतिहासिक तरीका ट्रेडिशनल तरीका यह था कि जितने भी इंग्लिश के लिंग्विस्ट है उन्होंने ग्रामर को सिखाने और सीखने पे ज्यादा फोकस किया था जो लैंग्वेज के महारथी हैं इन रीसेंट इस अभी अभी मॉडर्न टाइम्स में क्या चल रहा है द मेजोरिटी ऑफ एजुकेटर्स द मेजोरिटी ऑफ एजुकेटर्स जितने भी एजुकेटर्स हैं हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ द फैलेसी यानी

उउंड आउट विदाउट वो कैबलरी ये पता लगा है ये फैक्ट बता रहे ऑथर की विदाउट वो कैबलरी वो कैबलरी के बिना ग्रामर कितना भी अच्छा हो बच्चे का लर्नर्स कैन एक्चुअली से वेरी लिटिल बात करना नहीं आती अगर वो कैबलरी नहीं है और ग्रामर बहुत भी अच्छा है तो बात करना नहीं आती है डिस्पाइट एबल टू मैन्युपुलेट कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द एक्सरसाइज ड्रिंस

वन नीड्स टू लर्न मेनी वर्ड भाषा सीखनी है तो ज्यादा शब्द सीखना पड़ेंगे नेटिव स्पीकर वोकैबलरी ऑफ अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड वर्ड्स नेटिव स्पीकर जिसकी वो मातृभाषा है बट फॉरिनर्स कैन गो फॉर सम लेसर वर्ड दैट नेटिव स्पीकर यानी ब्रिटिश या yeah, अमेरिकन ये लोग के पास बीस हजार की वोकैबलरी होती है लेकिन हम लोग फॉरेनर्स हो गए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम लोग कौन हो गए फॉरेनर्स दे नीड ओनली अबाउट फाइव थाउजेंड वर्ड हमको सिर्फ पांच हजार शब्दों की वोकैबलरी चाहिए इंग्लिश की टू बी क्वाइट कॉम्पिटेंट इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग अगर हमको बोलना और सुनना और समझना है वो भाषा को तो पांच हजार श्योर है द रीजन फॉर दिस सीमिंगली स्मॉल नंबर इज द नेचर ऑफ वर्ड्स एंड द फ्रीक्वेंसी विद विच दे अपियर इन अ लैंग्वेज बेसिकली हम इसको एच एफ डब्ल्यू कहते हैं पांच हजार ऐसे शब्द याद करना एक foreigner को, जो सबसे ज्यादा उस भाषा में आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इट सी फ्रीक्वेंसी वर्ड शुड बी अमांड्स टू लर्न बिकॉज दे विल बी नीडेड इन स्पीच और राइटिंग सॉरी प्लीज थैंक यू ये इंग्लिश के हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है तो इनको पहले याद करना है ताकि आपकी बोलने की और सुनने की चीज बढ़ जाए तो तो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है फिर वोकैब्लरी आज के एजुकेटर्स क्या कहते हैं कि पहले वोकैबलरी आना चाहिए फिर ग्रामर एक जो नेटिव स्पीकर है जैसे इंग्लैंड का आदमी अमेरिका का आदमी है उसको कितने वर्ड आते हैं बीस हम जो है वो इंग्लिश के कौन है फॉरिन स्पीकर फॉरेन स्पीकर्स होने की वजह से हमारे लिए कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए पांच हजार में भी कौन सी मोकैबलरी आनी चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की इतना ही कह रहा है ठीक है ओके इट इज इट हैज बीन फाउंड आउट इट हैज बीन फाउंड आउट जब आप बोल रहे हो इट हैज बीन फाउंड आउट इसका मतलब वो रियलिटी बता रहा है प्रसाद अगर आप कुड डाल देते हो प्रसाद ध्यान रखो बेटा अगर वहां पे c o u d a uh, c o u l d आ गया could यानी ऐसा हो सकता है सो so, कुड़ अगर वहां पे डाल दिया तो पॉसिबिलिटी आ गई फिर वो रियलिटी नहीं रही फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग हियर मैं यहां खड़ी हूं दिस इज रियलिटी आई कुड हैव बीन स्टैंडिंग हियर मैं यहां खड़े हो सकती थी पॉसिबिलिटी आ गई क्लियर सो कुड़ नहीं आएगा प्रसाद इट हैज टू बी हैज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज ओके

मोटिवेट कर रहा है क्या नहीं ऐतिहासिक टोन है क्या नहीं सर यानी टोच के बोल रहा है क्या टोच बोल रहा है नहीं बी इंफॉर्मेटिव एवरीबॉडी फोकस योर नेक्स्ट द ऑथर सपोर्ट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ऑथर कौन सी बात को सपोर्ट करता है ऑथर कौन सी बात को सपोर्ट करता है देखो इंग्लिश वोकैबुलरी कंपलसरी है बोल रहा है क्या नहीं ग्रामर इज नॉट द फर्स्ट थिंग टू बी लर्न ग्रामर पहली चीज सीखने की नहीं है ठीक है ये हो सकता है टू लर्न इंग्लिश वन नीड्स टू लर्न मेनी वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश सीखना है तो उस भाषा के बहुत सारे शब्द सीखना पड़ेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर अ फॉरिनर टेन थाउजेंड नहीं ये तो फाइव थाउजेंड है लर्निंग अ लैंग्वेज स्टार्ट विद ग्रामर ये नहीं बताओ बी एस सी में से आंसर क्या आएगा ग्रामर इज नॉट द फर्स्ट थिंग टू बी लर्न ग्रामर यानी सभी भाषा का ग्रामर क्या ना इंग्लिश का दू बी सी दू बी सी सी क्यों नहीं आएगा बेटा मैंने सी भी करेक्ट है सी भी करेक्ट है लेकिन सिर्फ यहां सी नहीं आने का कारण है कि यहां पर उसने इंग्लिश नहीं मैंशन किया यहां पर उसने इंग्लिश मेंशन किया है क्योंकि वो सभी भाषाओं को जनरलाइज नहीं करा है वो स्पेसिफिकली इंग्लिश के बारे में बात करे सेकेंड पैराग्राफ में

यानी so, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है इंफॉर्मेशन दे रहा है नीड्स नीड्स टू टू बी बी टॉट टॉट बेटे वर्ड्स हर किसी को 20, सीखना है क्या फॉरेनर को तो पांच हजार है नेटिव स्पीकर को बीस हजार है ये नहीं जाएगा और ये यहां पे फॉरेनर वर्ड डाला फॉरेनर को बीस हजार है क्या नहीं पांच हजार की वोकैबुलरी है मस्ट लर्न ग्रामर स्ट्रक्चर्स सीधे सीधे ग्रामर पे जंप करो ऐसा बोल रहा है क्या नहीं मस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग एज मेनी ग्रामर स्ट्रक्चर ज्यादा ग्रामर की प्रैक्टिस करो बोल रहा है क्या नहीं शुड फर्स्ट ट्राई टू डेवलप नाम भी है क्या? क्या? नाम भी है नहीं। पैसेज व्हेन द अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अप्रोचेस हम कब कंसीडर करते हैं

रिसेंट अप्रोचेज प्रूव टू बी इफेक्टिव इन लैंग्वेज टीचिंग सो फारोस्ट एजुकेटर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच है लैंग्वेज टीचिंग फील्ड करेक्ट ना मोस्ट एजुकेटर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच आजकल के जितने भी एजुकेटर्स हैं ये ट्रेडिशनल अप्रोच के फेवर में नहीं है ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता था ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता था ग्रामर को पहले लेना है आज के एजुकेटर्स क्या बोल रहे हैं वो क्या बलरी को लेना है सो फॉर फॉर दिस हैज टू बी ई। लेट्स गो द लास्ट क्वेश्चन इट इज स्टेटेड इन द पैसेज दैट क्या बोल रहा है? पैसे करना यानी जोर देना इंपॉर्टेंस देना सिराज ओके ओके समृद्धि ग्रामर को मास्टर करना है ये बिलीव करते हैं क्या नहीं

नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड विच मस्ट बी लर्न टू कम्युनिकेट विदर एक्सीस बीस हजार चलो समृद्धि का मैं क्वेश्चन ले रही हूं और जा रहे हैं फिर. इसका आंसर ए क्यों नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेन द अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग आर टेकन इन सुडरेशन the best method is the one which focuses on developing the learner speaking and listening skills first sabse acha tarika wo hai jo tumhare learning or sorry listening or speaking skills pe focus karta hai sabse acha tarika wo nahi hai वो क्या बोल रहा है Vocabulary develop डेवलप होने से लर्सनिंग और स्पीकिंग जल्दी आती है पैसेज में ऑथर क्या बोल रहा है जितना ज्यादा तुम वो कैबलरी डेवलप करोगे तो तुम्हारा लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होंगे वो ये नहीं कह रहा है कि वो बेस्ट मेथड है इसलिए मैंने कहा ऑथर की सोच तुम्हारी समझ अगर बन जाए ना तो कर, करेक्ट आएगा ऑथर का इंटेंशन ऑथर का व्यू अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बने तभी आंसर करेक्ट आएगा क्लियर एक नाथ आपको टाइम लगेगा एक नाथ आपको टाइम लगेगा फोर्थ का ई क्यों नहीं बेटे ये वर्ड ही नहीं है ना कहीं पर दिया हुआ पैसेज में रिटर्न टेक्स्ट मनजे लिख ले ला। कहीं पर वो वर्ड है क्या बेटा पैसेज में श्वर रिटर्न टैक्स नाम का कुछ है क्या क्लियर चलो नेक्स्ट रेडी वैभव सर दो मिनट जल्दी कमॉन टू मिनट्स बी क्विक वेरी गुड मुजीब कमॉन बाका आप जल्दी जल्दी सारे करेक्ट चाहिए तेजस में लेती हूँ पहले ये सॉल्व कर लो जल्दी Time up. डन ओके 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो इतना खुशी में मत रहो टाइम है तो नोट डाउन करो चलिए लगा दीजिए वे भो इसको एक मिनट एक मिनट चले कमान बी क्विक आंसर्स आई वांट इन द कमेंट सेक्शन आंसर्स क्यों स्लो हो गए जल्दी चाय पीते पीते सॉल्व कर रहे हो क्या कमान बी क्विक व्हाट आर यू डूइंग वैभव सर का आंसर का वेट कर रही हूं मैं जब पैसेज पढ़ने को टाइम दिया होता है ना तो उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए जब पैसेज पढ़ने को टाइम दिया होता है ना उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए तो गलत नहीं आते हैं। okay? अगर move होती है तो जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं दैट इज नथिंग बट अर्थक्वेक दीज वाइब्रेशंस मे बी डिटेक्टेबल ओनली बाय सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड सिस्मोग्राफ्स

गलती लेकिन फॉल्ट का एक और मीनिंग है फॉल्ट यानी फ्रैक्चर किसी बड़े प्लान में अर्थ में अगर कोई फ्रैक्चर आता है उसको हम फॉल्ट कहते हैं ये बात याद रखना ओके सो इट इज 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 दिस टर्म जनरली इन जियोलॉजी फॉल्ट किसी बड़े प्लान पे जो फ्रैक्चर आता है जो दरार आती है दैट्स फॉल्ट सीवियर अर्थ को एक मोस्ट कॉमन नियर द एजेस ऑफ द प्लेट्स इन द अर्थ क्रॉस अराउंडफिक ओशन

सबसे पहले रॉक्स के हिलने से फर्स्ट सेकेंड अंदर अगर वॉलकैनिक एक्शन हो एक्सप्लोजन हो तो अर्थक्वेक की वजह से क्या होते हैं सुनामीज सुनामी सबसे ज्यादा कहां आते हैं द रीजन तीन ही पॉइंट बताए अर्थक्वेक क्या है क्यों होते हैं अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है और मेजोरिटी ऑफ द अर्थक्स कहां आते हैं ठीक है लेट्स गो फॉर अकॉर्डिंग टू दैसेज रॉक्स मूव एंड रॉक्स मूव जब अर्थक्वेक आता है या रॉक मूव होते हैं तब अर्थक्वेक आता है सिस्मोग्राफ्स में डिवास्टेड सिस्मोग्राफ की वजह से शहर बर्बाद होते हैं क्या नहीं अर्थक्वेक्स आर बाय ह्यूज वेव्स कॉल्ड सुनामीज अर्थक्वेक सुनामीज की वजह से, से होते हैं कि सुनामीज अर्थक्वेक की वजह से होते हैं अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू हैपन वेयर देयर आर फॉल्ट्स अर्थक्वेक्स वहां सबसे ज्यादा होते हैं जहां पे फॉल्ट्स हैं रखते हैं इसको

पत्थर हिलने की वजह से अर्थ आता है अर्थ को एक आने की वजह से पत्थर नहीं हिलते द आंसर फॉर दिस हैज टू बी वेदर ऑफ फॉल्स इसको तो वोल्केनिक इरप्शन नहीं बोलते ना दिस आर नॉट वोल्केनिक इरप्शन मैम बी कुड बी ट्रू सिस्मोग्राफ्स नहीं नहीं नहीं, नहीं सिस्मोग्राफ शहरों को डिवास्टेट करते हैं वो तो अर्थ को पहचानते हैं द आंसर विल बी डी इट इज ऑब्वियस इन द पैसेज दैट मेनी बिग सिटीज आर फाउंडेड अपॉन द फॉल्ट बिग सिटीज आर मोर लाइकली टू कंफ्रंट अर्थक्स दैसेफिक मोस्ट लाइकली प्लेस फॉर अर्थक्स मूवमेंट ऑफ रॉक्स अलॉन्ग दिगर सुनामीस प्लेसेस आर द पैसिफिक द मिड एटलांटिक साउथ वेस्ट एंड आंसर यानी डेंजरस सबसे ज्यादा खतरनाक जगह कौन सी है ई डिवास्टेड यानी बर्बाद कर देना तबाह कर देना संकेत फॉल्ट के दो मीनिंग है फॉल्ट यानी गलती और फॉल्ट का दूसरा मीनिंग होता है फ्रैक्चर देखो सडन मूवमेंट इन अर्थ क्रस्ट क्या है बेटा अर्थ को एक है ना वॉल्कैनिक इरप्शन थोड़ी है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना अनंत कुमार डायरेक्ट क्वेश्चन है ना बेटा ये लास्ट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट सम ऑफ कॉज बाय अर्थक्वेक नहीं वॉलैनिक ब्लास्ट की वजह से अर्थक्वेक होता है अर्थक्वेक की वजह से वॉल्निक ब्लास्ट नहीं होता है ये नहीं जाएगा सुनामीज आर मोर लाइक इन द मेडिटेरियन एंड द मिड एटलांटिक सिवियर अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बिफोर हैंड नहीं तो सिस्मोग्राफ है ना उसके लिए मूवमेंट ऑफ प्लेड टू बिग अर्थक्वेक्स फॉल्ट आर क्रिएटेड बाय द डिटेक्टेबल वाइब्रेशन डी मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स सेकेंड का सी नहीं आएगा क्या बेटे अभी तुम ध्यान से देखो न, ठीक है सी वट इज दर्थक्वेक्स आर मोस्ट कॉमन नियर द एजेस ऑफ द प्लेट्स इन द अर्थ क्रॉस सच एज अराउंड सच एज अराउंड पैसेफिक क्वेश्चन फिर ये फिर ये सबसे ज्यादा अर्थक् कहां होते हैं उसके तीन जगहों के नाम दिए और ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसिफिक में होते तो क्या ये बराबर है नहीं ऑथर पैसेज में क्या बोल रहा है कि तीन जगह सबसे ज्यादा अर्थ आते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है कि सिर्फ कैसे जाएगा क्लियर चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट रेडी हाँ चलिए वैभव सर दो मिनट का टाइमर लगाइए दो मिनट का टाइम लगाइए समझो वैभव मैं तुम्हारे डाउट पे आती हूँ हेलो सर भी चाय पीते पीते आंसर देंगे चलो बच्चा थीम निकाली जनरल आइडिया निकाला पैसेज का कन्फ्रंट करना यानी फेस करना फाइट करना कन्फ्रंट करना यानी फेस करना फाइट करना चलो निकाला बड़े आगे क्वेश्चन आंसर पे जाऊं तुमको जो टाइम दिया होता है मुझे डन डन मत बोला करो तुम तुमको जो टाइम दिया जाता है वो टाइम में जनरल आइडिया पे फोकस करो थीम पे फोकस करो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वाला आरसी आता है तो पैसेज को पढ़ने में ज्यादा टाइम दो मुझे ऐसे थंबनेल मत बताओ क्लियर आई वांट दैट यू शुड रीड द पैसेज फर्स्ट इन अ वेरी प्रॉपर फैशन क्लियर लेट्स गो फॉर नेक्स्ट इसको लगा दीजिए दो मिनट अभी गड़बड़ करोगे तो मार खाओगे दो मिनट का टाइमर दिया है गड़बड़ करोगे तो मार खाओगे निकालो मुजीब को निकालो बाहर जल्दी से उसको इतने फटके वैष्णवी को निकालो बाहर मुजीब वैष्णवी को बाहर निकालो वैष्णवी पंडूरे मुजीब सैयद को बाहर निकाले और कौन रुको गजानन को बाहर निकालो <laughs> बाहर निकालो इनको सच में फटके चाहिए एनी वे स्टूडेंट्स थर्टी सेकेंड्स टू गो जिसका जल्दी से आंसर uh, आ चुके हैं वो लाइक करो फटाफट वीडियो को ऐसी uh, वेब की रिक्वेस्ट है <laughs> वीडियो को लाइक प्लीज लाइक आई जस्ट वॉन्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग देर आई वॉन्ट द लाइक नहीं तुम वैष्णवी बाहर निकलो मैं तुम्हारा आंसर लेने नहीं वाली हूं मुजीब और वैष्णवी बाहर निकलो तुम सच में बाहर निकलो इतना मारो वैभव सर इनको कि इनको कि कि होश आ जाए कि क्या कर रहे हैं अगर तुम यहां गलती करोगे ना तो तुम मेरी एग्जाम में नाक कटवाने वाले हो सच में मुजीब एंड वैष्णवी ऐसे मारो वैभव सर कि इनको नींद में से ना होश आ जाए ये पैसेज अगर इनको बारह बजे भी किसी ने दिया ना तो इन्होंने गलत नहीं करना चाहिए वेरी गुड धनश्री को भी पढ़ने चाहिए फटके शीतल डिजर्व लाइक दिस यू नो हल्क से फटके मारो मैम ओके प्रवीण लेट्स गेट रेडी चलो वह बस सर कह रहे हल्क से मरवाने लगाते हैं so, happen, तुमको फटके ही पढ़ने वाले हैं एंड यूर लकी इनफ की तुम मिनो you know, लिट्स so है ना लोकी फटके खा रहे हल्के हाथ से so, एनी <laughs> चलो पैसेज पे वापस आओ तुमको जब टाइम दिया होता है ना तब अच्छे से करना चाहिए लेट्स गेट रेडी ना सी देर आर मेनी टाइम्स वेन समवन सफरिंग फ्रॉम ईदर मेंटल इलनेस और डिप्रेशन मे नॉट इवन रियलाइज देर इज अ प्रॉब्लम आपने अभी तक जितने भी पैसेजेस किए बच्चा सारे पैसेजेस की लैंग्वेज क्या है बहुत सिंपल है बहुत ईजी है लेकिन क्वेश्चन कैसे दिए ऑप्शन कैसे क्लोज दिए तो जरूरी नहीं है कि पैसेज को टफ बनाने के लिए एग्जामिनर को डिफिकल्ट लैंग्वेज या डिफिकल्ट वर्ड्स की जरूरत होनी चाहिए क्लियर लेट्स गेट रेडी द पैसेज इज ऑल अबाउट बहुत सारी ऐसा टाइम है जब इंसान अकेला महसूस करता है मेंटल इलनेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है पर उसको पता ही नहीं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है आई हैव हैफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन माई सेल्फ नाव दिस इज दी ऑथर राइटिंग कि मैं खुद भी डिप्रेशन का शिकार रहा हूं

Jesse, you must have seen uh, this girl called as the pick and she's pretty vocal about her depressive phase that she went through uh, so that's about it I suspect that anyone who was unaware of the condition would probably be shocked as I was to have someone confront them about it confront ka meaning kuch मुझे ये सस्पेक्ट करता हूं मैं मुझे डाउट है कि कोई भी इंसान जिसको पता नहीं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और अगर उसको कोई डॉक्टर बोल दे कोई फैमिली मेंबर बोल दे कि तुम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो तो तुमको वो चीज डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल जाती है अ गुड फ्रेंड वुड कन्फ्रंट देम एनी एक अच्छा दोस्त बोलेगा तुमको फेस करवाएगा कि नहीं तुम गलत करो तुम डिप्रेशन का शिकार हो यू नीड ए साइकैट्रिस्ट यू नीड साइकोलॉजिस्ट एंड होपफुली दे वुड सीक हेल्प एंड मे बी फिर वो लोग उस मदद की तरफ जाएंगे जो लोग डिप्रेस हैं Passage क्या बोल रहा है सबसे पहली बात ऑथर अपना डिप्रेसिव फेज बता रहा है कि मैं जब डिप्रेशन में था तो मेरे फैमिली ने किसी ने पहचाना नहीं फैमिली डॉक्टर ने पहचाना मुझे ये चीज डाइजेस्ट करना मुश्किल गई बट आई टुक द ट्रीटमेंट फर्स्ट सेकेंड वट इज देंग अबाउट डिप्रेसिव फेज ही दैट एक अच्छा दोस्त वही है जो तुमको तुम्हारे डिप्रेशन को तुम्हारे मेंटल इलनेस को कन्फ्रंट करवाएगा फेस करवाएगा कि नहीं देखो तुम्हारे डियर जिंदगी ऑफ आलिया सीन दैट टेंड लेट्स सी सेंटेंस वी गो अगर आपको ऐसा शब्द का मीनिंग नहीं भी पता है ना किशोर सेंटेंस के साथ जाओ लॉट ऑफ पीपल अलोन ऐसे बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं वो ज्यादा करके टेंट टू बी हियर मीन ज्यादा करके अकेलापन पसंद करते हैं लेट्स गो फॉर इट इट द द फर्स्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम पैसेज दैट पैसेज से वर्ड्स खराब होना बिगड़ जाना और बिगड़ जाना बैड वर्स वर्स्ट खराब से और खराब हो जाना इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज दैट पैसेज से क्या बात समझ में आती है सम डॉक्टर्स आर अनअवेयर डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही है क्या नहीं लॉट ऑफ पीपल फैमिली फैमिली डॉक्टर्स डॉक्टर्स कितनों का है ये बात हो रही है क्या नहीं मेंटल इलनेस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम टूडे है क्या पैसेज नहीं पीपल कैन नॉट इजिली रियलाइज देयर ओन मेंटल इलनेस लोगों को अपना ही मेंटल इलनेस जल्दी समझ में नहीं आता है वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस टू बिकम हेल्दी नो द आंसर हैज टू बी डी इसका आना चाहिए था डी करेक्ट समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम ईदर मेंटल इलनेस और डिप्रेशन शुड गो टू फैमिली डॉक्टर मे गिव डैमेज टू अदर पीपल हैज टू टू फाइंड हिज फ्रेंड्स टॉक अबाउट इट विल वन डे रियलाइज एवरीथिंग ही जनरली अवेयर ऑफ द कंडीशन जो इंसान इस बीमारी का शिकार होता है उसको पता ही नहीं होता कि उसको वो बीमारी है इसीलिए दूसरा जो उसका दोस्त है फैमिली मेंबर है फैमिली डॉक्टर है उन्होंने ये चीज सामने लाना चाहिए

A lot of people who suffer from such problems, कहां पे है थर्ड का ई कहां पे दिया है कि देर आर मेनी पीपल हु फ्रॉम मेंटल इलनेस देर आर लॉड ऑफ पीपल इन आर सोसाइटी फ्रॉम मेंटल इलनेस कहा दिया है कहा दिया है यस मुजीब एंड वैश्वी आंसर ई कहां दिया है, कहां दिया है? Yes, कहा दिया है ई e आंसर मैं पूछ रही हूं बहुत सारे लोग जो दिमाग के पेशेंट हैं वो अपनी बीमारी एक्सेप्ट नहीं करते हैं रूपेश तुमको फटके चाहिए मुझे बताओ वेर इन पैसेज वेयर इज इट मेंशन इन द पैसेज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन सोसाइटी मेंटल इलनेस कहा दिया है मनसे वेरी गुड भल्लाल देव की पत्नी कौन कहा है पिक्चर में कहा दिया है पिक्चर में भल्लाल देव की पत्नी कौन मारो तुक्के राइट यही करते हो ना तुम इसलिए फिर इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं आती तुम्हारी चलो नेक्स्ट पास लो वैभव सर ओके ना दिस इज इंटरेस्टिंग और ये थोड़ा ट्रिकी है हाँ ये पैसेज बड़ा मजेदार है चलो जल्दी इसको तीन मिनट लगाना मैं टाइम जितना दे रही हूं समझ के पढ़ना पैसेज समझ के पढ़ना पैसेज मजेदार है प्लीज समझ के पढ़ो इस पैसेज को गुड मॉर्निंग आदित्य आई एम सो हैप्पी टू सी आदित्य टुडे मुझे भी इसीलिए उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन बोला है इनडायरेक्टली ऑथर ये बोलना चाहता है एक तो तुम डिप्रेशन में तुमको तुम्हारी बीमारी पता नहीं चलती जब पता चलती है तो तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और एक्सेप्ट अगर कर लेते हो तो प्लीज डॉक्टर की बात मानो दिस इज वॉट टू कन्वे इन द पैसेज एग्जैक्टली कन्वेज एक्ट ऑफ पीपल सफरिंग ऐसा नहीं दिया है ऋषि लॉर्ड ऑफ पीपल हु फ्रॉम दिस इलनेस टेंड टू जो बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हैं बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार है नहीं बोल रहा है जो बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार हैं वो क्या करते हैं ये बोल रहा है ऋषि पैसेज से पहले क्वेश्चन तभी रीड करते हैं जब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा केशव ओके okay, दिग्विजय

दिग्विजय आई वॉन्ट दिस पैसेज इन वन लाइन बी क्विक सो गए क्या तुम बी क्विक दिग्विजय यू हैव हार्डली थर्टी सेकेंड टू गो लेजर यानी फ्री टाइम भूषण लेजर यानी फ्री टाइम चले प्रॉवर बिल फेज यानी कहावत मुहावरा जिसको कहते हैं बेटा कपिल यहां पे इसका मतलब है मुहावरा चलो दिग्विजय स्टिल वेटिंग फॉर यू हा तुम इतना टाइम लगाओगे दिग्विजय एग्जाम में हाँ एक मिनट वैभव सर फटके चाहिए दिग्विजय को बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है क्वेश्चन इनडायरेक्ट है ध्यान से करो प्लीज़ टेक योर टाइम द आंसर्स शुड बी करेक्ट सीमा सीमा क्या कर रही हो कम ऑन द थ्री क्वेश्चंस एक ही मिनट Questions are there? Okay. Come on, be quick. चले ठीक है नाउ यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस व्हाट इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है शब्दों के परे भी ऑथर कुछ कन्वे करता है विच वी कॉल एज रीडिंग बिटवीन द लाइंस लेट्स गो फॉर इट नाउ वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन वर्क एक्सपैन सो एज टू कंप्लीट द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन शाम में घर में कोई मेहमान आने वाले हैं आपको मम्मी ने जिम्मेदारी दे दी कि पूरे दिन का खाना तुम बनाओगे घर साफ तुम करोगे तो आई गारंटी अगर तुम कामचोर इंसान नहीं हो तो आप पूरा दिन काम में डाल देते हो ताकि तुम पूरा दिन क्या रहो एंगेज रहो आप दिन की प्लानिंग ऐसी करते हो कि शाम में गेस्ट आएंगे और मम्मी ने मेरे ऊपर थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर दिए हैं तो पूरा दिन आप ऐसे प्लान करते हो कि आपका पूरा दिन प्रॉपरली यूज हो सके The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase idiom. It is the busiest man who has time to spare. It is the busiest man who has time to spare. मतलब जो इंसान ये दिखाता है कि मैं बहुत busy हूँ, सबसे ज़्यादा समय उसी के पास होता है। ये कहावत है, ये मुहावरा है। Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. एक elderly lady जो free है, जिनको कोई ऑफिस नहीं है घर का काम नहीं है ये पूरा दिन डाल सकती है अपने नीस को एक चिट्ठी लिखने में एन आर विल बी सेंट इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड एक घंटा चिट्ठी लिखने में अनादर हंटिंग फॉर स्पेक्टेकल्स अनदर चश्मा ढूंढने में हाफ एन आवर टू सर्च फॉर द एड्रेस आधा घंटा एड्रेस ढूंढेंगी एन आर एंड अ क्वार्टर इन कॉम्पोजिशन एंड ट्वेंटी मिनट्स इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू टेक एन अम्ब्रेला वेन गोइंग टू द पिलर बॉक्स ये एक लेडी जो काफी उम्र की है जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम है वो एक पूरा दिन चिट्ठी लिखने में कैसे डाल सकती है उसका ये वर्णन कर रहा है चिट्ठी ढूंढेंगी क्या लिखना सोचेंगी चश्मा ढूंढेंगी फिर अम्बरेला लेके ना आऊ कि नहीं जाऊं पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए द टोटल एफर्ट दैट कूड ऑक्यूपाई बिजी मैन फॉर थ्री मिनट ऑल टोल्ड मे इन दिस फैशन लीव अनादर पर्सन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर अ डे ऑफ डाउट एंग्जाइटी एंड टॉयल टॉयल इज हार्डवर्क टोटल एफर्ट दैट पुड अकर डाउटफुल है, 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 है? है, है एंगजाइटी और टॉयल से भरा है उनका दिन चिट्ठी डालू की नहीं डालू अमरेला लेके जाऊं कि नहीं जाऊं खत में क्या लिखूं अरे मैंने चश्मा मेरा भूल तो नहीं आ गई मैं कहीं दिस तो का पैसेज ऑल अबाउट The passage says, तुम अगर free हो तुम्हारे पास leisure time है free time है तो तुम क्या करते हो अपने काम को expand करके करते हो जैसे कि suppose I give you an example, if I am busy, okay? So since I am a working mother, what I do, I don't keep cooking all masalas every time.

समय को मैच करने के लिए समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए पूरा काम बढ़ाते चलता है खींचते चलता है दिस इज हाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वॉट द टाइम टू बी स्पेंड ऑन सम वर्क इंक्रीजेस जब सपोज मेरे को लिखना है चिट्ठी और चिट्ठी लिखने के लिए मेरे पास दो मिनट है बट अगर मैंने कहा कि चिट्ठी लिखने के लिए दो घंटे है तो आप क्या करते हो ऑटोमेटिकली चिट्ठी लिखने के लिए दो घंटा है बोला तो क्या हो गया अरे मैम मैं दो घंटे से चिट्ठी ही लिख रहा हूं द वर्क विल कंज्यूम ऑल टाइम द वर्क विल कंज्यूम ऑल टाइम नेक्स्ट एक्सप्लेन द सेंटेंस वर्क एक्सपैंड टाइम इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज जैसे कि कुछ काम नहीं है सपोज इवन माई फादर आई कैन से पेंशनर अब उनको एवरी मंथ के फर्स्ट को वो पूरा दिन जाके डालते हैं बैंक में पेंशन लेने के लिए क्यों बिकॉज उनको कोई और काम नहीं है एंड ही दैट वहां जाके लोगों से बात करते हैं मिलते हैं कोविड केसेस डिस्कस होते हैं दूर दूर खड़े रहते हैं सो वेन यू डोंट हैव एनी वर्क वॉट यू डू इज यू एक्सपैंड द वर्क टू फिल द टाइम गैप ऑथर क्या बोल रहा है जब तुमको कोई काम नहीं है तो यू एक्सपैंड द वर्क टू फिल द टाइम गैप क्लियर नेक्स्ट ज द पर्सन लाइक मोर टाइम टू डू वर्क कौन सा आदमी सबसे ज्यादा समय लेगा काम करने को मैन ऑफ लेजर जिसके पास बहुत फ्री टाइम है वही सबसे ज्यादा समय लेगा ना बिजी आदमी तो वही काम दो मिनट में करके हट जाएगा ठीक है अगर कोई पेंशनर और पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो क्या करेगा दो मिनट में बैंक जाएगा पेंशन लेगा रे बाबा मुझे काम पे जाना है लेकिन कोई इंसान है जो सिर्फ पेंशनर है और कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है तो वो इंसान दिन भर बैंक में डालेगा लीडी का तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है उसने वो एल्डरली लेडी के बारे में नहीं बोल रहा है प्रवीण इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय द द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड एंटायर डे पूरा दिन डाल रही है वो लेडी वट द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स पिलर बॉक्स यानी पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स जिसको आप कहते हैं क्लियर यस चेतन चेतन के पूरे आंसर्स करेक्ट है क्लियर चलो एक और कर ले एक एक लास्ट 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 चलो लास्ट जल्दी वेब से लगा दीजिए उसको दो मिनट का टाइमर लास्ट है लास्ट है देन वी विल स्टॉप चलो लास्ट है दो मिनट का ठीक है आनंद मैं वापस आती हूं जस्ट अ सेकेंड प्रसाद तुम गलत जा रहे हो तुम्हारी यहाँ पे थॉट प्रोसेस गलत हुआ मैं समझाती हूँ ये पैसेज पे आओ जल्दी प्रसाद का थॉट प्रोसेस थोड़ा गलत गया चलो फटाफट -फड़ लाइक भी करो जल्दी से वीडियो को स्टूडेंट्स ये वेब सर की रिक्वेस्ट है और मेरी भी ऑब्बियसली आई वॉन्ट दैट यू शुड प्लीज लाइक दीडियो के मान बी क्विक Should I? One minute. One minute. पैसेज समझा ही नहीं क्या आपको पैसेज नहीं समझा क्या बच्चा ना लेट्स गो फॉर द दैसेज फर्स्ट ओके मैं वैष्णवी का भी डाउट क्लियर कर देती हूँ लिसन इट इज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स मैन ठीक है इट इज नॉट लक किस्मत नहीं है लेबर का मतलब मेहनत है यहां पर किस्मत नहीं मेहनत आदमी को बनाती है अभी वैष्णवी का क्वेश्चन था मैम वहां पर मेक्स मैन होना चाहिए ग्रामर बता देती हूँ इट इज नॉट लक बट लेबर लेबर सिंगुलर है तो मेक्स बराबर है मैन करेक्ट फॉर एग्जाम्पल He designs cars. बराबर है ना ही के लिए डिजाइन आया ही सिंगुलर ये सिंगुलर वो गाड़ियां बनाता है सो इट इज वेरी मच करेक्ट ग्रामेटिकली वैष्णवी करेक्ट है हाँ लेकिन आप अगर बोलते हो कि सेंटेंस फ्रेमिंग के हिसाब से तो फिर मैन ज्यादा करेक्ट है बट ये बिल्कुल करेक्ट है कोई गलत नहीं है इसमें आप इसको गलत नहीं बोल सकते वैष्णवी ठीक है

पैसेज में ऑथर ऐसे दो किस्म के लोगों के बारे में बोल रहा है ऐसा पहला इंसान जो किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट है और ऐसा दूसरा इंसान जो मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है लेबर कीन आईज़ मेहनती आदमी जिसकी आंखें बहुत कीन है जिसकी आंखों में वो शाइन दिखती है मेहनत की तैयारी दिखती है दोज आर ऑलवेज टर्न अप जो मेहनती आदमी है वो कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेगा ही

ऐसा आदमी जो बहुत मेहनत पे विश्वास करता है सुबह छह बजे उठता है एंड विथ बिजी पेन चाहे वो ऑफिस वर्क करने वाला आदमी हो और रिंगिंग हैमर यानी या फिर कोई मेहनत का फिजिकल वर्क करने वाला आदमी हो या मेंटल वर्क करने वाला हो छह बजे उठ जाता है स्लेज द फाउंडेशन फॉर कंपीटेंस कंपीटेंस इज योर एफिशियंसी वो अपनी किस्मत खुद लिखता है फर्स्ट में ऑथर क्या बोल रहा है ऐसा इंसान जो लक पे डिपेंड होता है वो बिस्तर में सोता रहता है और इंतजार करता है कि करोड़पति बन जाएगा और ऐसा इंसान जो मेहनत पे विश्वास करता है उसकी मेहनत मेंटल भी हो सकती है जैसे टीचिंग प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर्स का प्रोफेशन और उसकी मेहनत फिजिकल भी हो सकती है जैसे अ ड्राइवर अ फार्मर तो ये दोनों लोग सुबह छह बजे उठ के अपनी किस्मत खुद लिखते हैं ये कह रहा है नेक्स्ट लक वाइन कंप्लेन करते जब आप रोते हो दैट्स वाइनिंग कंप्लेन करके रोना वाइनिंग लेबर वॉचेस लक सिर्फ रोती रहती है ऐसा इंसान जो लक पे भरोसा करके बैठा है वो रोता ही रहेगा पूरी जिंदगी और जो लेबर है जो मेहनत पे भरोसा करता है वो देखेगा कि कैसे करना है लक रिलाईज ऑन चांस लेबर ऑन कैरेक्टर लक तो चांस पे डिपेंड होती है लेकिन लेबर कैरेक्टर पे तुम्हारा कैसा इंटीग्रिटी है उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा मेहनत लक स्लिप्स डाउनवर्ड्स टू सेल्फ इंटेलिजेंस लक कहा चले जाती है सेल्फ इंडेलिजेंस पैसा आता भी है तो अपने आप में इतना मशगूल है कि उसको दुनिया नहीं दिखती है लेबर स्ट्राइक अपर्स टू इंडिपेंडेंस तो मेहनती आदमी जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ता है द कन्विक्शन द कन्विक्शन यानी द बिलीफ द बिलीफ देर फोर इज एक्सटेंडिंग दैट डेलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक तो ये जो बिलीफ है ये जो सोच है कि मेहनत सिंसियर एफर्ट्स मदर ऑफ गुड लक है टू हिस्स इंडस्ट्री टू हिस्स अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स उसका कितना मेहनत है उसने कितना फोकस किया है कितना ज्यादा डेडिकेशन है उस पर उसका सक्सेस डिपेंड करेगा पैसेज क्या बोल रहा है दो लोगों के बारे में एक लक पे डिपेंड एक जो मेहनत पे डिपेंड करते हैं ऑथर किसको सपोर्ट कर रहा है मेहनत करने वाले लोगों को ठीक है चलो लेट्स गो फॉर द द द द फर्स्ट वन ऑफ ऑफ फॉलोइंग सम्स अप मीनिंग मीनिंग पैसेज पैसेज का यानी इसका मतलब क्या हो गया जनरल आइडिया सेंट्रल थीम मेन थीम लक वेट्स विदाउट एक्सर्शन बट लेबर एक्सर्ट्स विदाउट वेटिंग लक वेट्स विदाउट एक्सर्शन लेबर एक्सर्ट्स विदाउट वेटिंग नेक्स्ट लक सेल्फ जेंट बट लेबर इज सेल्फलेस लक अवेट्स एंड कंप्लेन विदाउट वर्किंग लेबर ऑल दो इट लेबर कभी कंप्लेन करता है क्या बेटा लक ऑफ एन एंड इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूसेस लक मैंने वही बोला ना हर मेहनती आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है द आंसर जनरल आइडिया ज द जनरल आइडिया हर मेहनती आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है एक नाथ ऐसे ही पैसेजेस आते हैं बेटा एग्जाम में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज इंडिकेट्स दैट द राइट डज नॉट राइटर डज नॉट अल्टीमेटली रिजेक्ट द एलिमेंट ऑफ लक कौन सी ऐसी बात है दैट द राइटर डज नॉट अल्टीमेटली रिजेक्ट द एलिमेंट ऑफ लक कौन सी ऐसी बात है ये बताती है कि राइटर ने कहीं ना कहीं गुड लक को भी मेहनत से रिलेट किया है मुझे क्यों नहीं आएगा लिसन दिस क्वेश्चन इज द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज दिस क्वेश्चन इज द जिस्ट ऑफ द पैसेज पैसेज किस चीज के बारे में बोल रहा है कि इंसान मेहनती आदमी खुद अपनी किस्मत बनाता है ठीक है

हार्ड वर्क ऑफ ऑल काइंड मेक्स पीपल एफिशियंट लेबर इज द फाउंडेशन फॉर द बिल्डिंग नहीं द राइटर एंड द लेबर राइटर और लेबर की बात हो रही no. no so no. okay. क्या नहीं दर इज नो वर्क वर्क सो हार्ड एज अबर नो द आंसर ओके द टोन ऑफ द पैसेज क्या आएगी देखो बेटा टोन बायस नहीं आएगी टोन इंफोर्मेटिव आ सकती है टोन मोटिवेटिंग आ सकती है टोन सजेस्टिव आ सकती है टोन एडवाइजरी आ सकती है टोन कंपेरेटिव आ सकती है ये ओके आई यू क्लेव दिस चलो एनी डाउट्स ठीक है ये एज इट इज पीडीएफ मेरे लेक्चर के साथ मैं पोस्ट कर रही हूं एस के मेन चैनल पे सो यू कैन चेक दैट ओके बिल्कुल मत डरो इससे टफ पैसेजेस नहीं आएंगे इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे मैं सेकंड वाला लेती हूं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव नहीं आएगी किशोर सर फैन क्लब कौन है ये प्रतिभा मोटिवेशन इसलिए आएगा बेटा मोटिवेशन प्रसाद मैं आपका डाउट लेती हूँ फिर से एक बार पोस्ट करो डाउट को का फर्स्ट का सी क्यों नहीं आएगा ठीक है एक सेकेंड फर्स्ट का सी क्यों नहीं आएगा सी में ना बेटा उसने क्या बोला कि ऑल दो इट कंप्लेन कंप्लेन दिख रही है क्या कहीं पैसेज में कंप्लेनिंग है क्या कहीं कि लेबर कंप्लेन कर रहा है ऐसा है क्या नहीं ठीक है थैंक यू सो मच सानिका नाइस नेम केशव सेशन बेटा मैं एवरी फ्राइडे यूट्यूब लाइव लेती हूं जैसे स्टोरी मॉरल होता है सिमिलर पैसेज का जनरल आइडिया होता है ना शिवानी नहीं स्टोरी का जो मॉरल होता है वो कहानी से आपने क्या सीखा जेनरल आइडिया लिखने वाली ठीक है जनरल इज इज कंप्लीटली डिपेंडेंट इंटेंशन इंटेंशन द राइटर्स योर लर्निंग फ्रॉम दैट ओके हाँ गजानन फोर और फाइव डिफिकल्ट था ट्रिकी था पैसेज सेकेंड एक्सप्लेन करती हूँ जयश्री तुम्हारे लिए प्रसाद तुम्हारा डाउट फिर से पोस्ट करो ओके okay.

ओके मुझे मैम प्रीवियस पैसेज पर्स क्वेश्चन में ऑप्शन बी क्यों नहीं आएगा ओके लेट्स लेट्स गेट टू दिस ओके प्रसाद तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं सी व्हाट व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेस जब समय बढ़ जाता है जब समय बढ़ जाता है समय बढ़ जाता है तो क्या होता है द वर्क इज डन लेजरली वर्क इज नॉट डन ले कैजुअली काम नहीं करते हो आप काम sincerely करते हो, लेकिन काम को बढ़ा के करते हो फॉर एग्जाम्पल आई सेगेन सपोज अगर मैं एक वर्किंग मदर हूँ मुझे रोज इडली डोसा बनाना है सो आई डू आई एल नॉट प्रिपेयर द बैटर एवरी डे एक दिन बना के पांच दिन का फ्रिज में रख दूंगी वही खिलाऊंगी बच्चों को बट अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो क्या करेगी डेली फ्रेश बैटर बनाएगी तो वो काम फ्री टाइम या कैजुअली कर रही है क्या नहीं नहीं वो काम को सिर्फ एक्सपैंड कर रही है और मैं मेरे काम को क्या कर रही हूं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं वर्किंग लेजरली मतलब वर्किंग कैजुअली विच इज नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्लियर प्रसाद डोंट डू सच मिस्टेक्स दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू व्हाट आर यू डूइंग आर यू रीडिंग और नॉट चलो, और और तुम सच में बहुत बदमाश yes, मेरे बच्चे बैठे हैं मेरी मम्मी के साथ वो सेशन देख रहे हैं ओके थैंक यू सो मच बच्चा कमिंग फ्राइडे कल का आपका क्वेस्ट पॉट सिक्स देखना मत भूलना क्योंकि कल मैं आपको बनाने वाली हूं वर्ड स्मिथ वर्ड स्मिथ हाँ गोल्ड स्मिथ होता है आयन स्मिथ होता है वैसे ही वर्ड स्मिथ बनाने वाली हूं कल के जो क्वेस्पॉट के वर्ड्स हैं कुछ शशि थरूर के वर्ड्स मैंने लिए हैं थरूरियन वर्ड हम लोग लेने वाले मिस टूमोज so ठीक है? चलो अ वंडरफुल वीक स्टूडेंट एंजॉय योर डे लव टू रीड एंजॉय टू रीड थैंक यू सो मच बाय